सबसे पहला टॉपिक, क्या उसका प्यार ख़त्म होने लगा है आपके लिए? और उसके बाद सेकंड टॉपिक देखेंगे, वो आपकी लाइफ में कब वापस आएगा? नाउ लेट्स सी, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, क्या उसका प्यार ख़त्म होने लगा है आपके लिए या नहीं? सो फ्रेंड्स, ये जानने के लिए आपको चूज़ करना है कोई भी अपना एक नंबर, जो भी आपको अच्छा लगे 8, 9 और 4 में से। अगर चूज़ किया है नंबर 8 आपने अपने लिए, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा होगा। उनका प्यार ख़त्म तो नहीं हो रहा और ज़्यादा बढ़ रहा है आपके लिए। देन इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में, अगर चूज़ किया है आपने अपने लिए नंबर 4, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा होगा। ख़त्म तो नहीं, बट यस, थोड़ा बहुत कम होने लगा है अब प्यार उनका आपके लिए। देन इसके बाद देखते हैं नंबर 9, जिसने भी चूज़ किया है उसका आंसर देखते हैं क्या होगा। नहीं, उसका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा आपके लिए, हमेशा ही प्यार ज़्यादा रहेगा। इसके बाद ये सेकंड टॉपिक, वो आपकी लाइफ में कब वापस आएगा? अगर वो दूर हो गया है आपसे, तो 2, 7 और 0 में से नंबर चूज़ करो। सबसे पहले देखते हैं नंबर 7, अगर चूज़ किया है तो इसका आंसर है बहुत जल्द वो ज़िंदगी में आएगा आपकी, अगर आप वेट कर रहे हो उसके आने का वापस अपनी लाइफ में तो। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 2, अगर चूज़ किया है तो इसमें क्या लिखा होगा। कुछ टाइम बाद वो वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, अगर इंतज़ार है आपको तो। और अब देखते हैं लास्ट नंबर 0 में क्या होने वाला है आंसर। लेट्स सी, शायद वो आपकी लाइफ में अब वापस ना आए कभी, कोई और आए उसकी जगह आपकी लाइफ में। बाय।